संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार खुलकर खेल रही है। यही कारण है कि बीजेपी को डिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है या फिर गेंद इधर उधर मारने को विवश हो रही है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया जिससे कांग्रेस पार्टी एकदम शांत हो गई। दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण के वर्गीकरण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दक्षिण के राजनेता सर्वोच्च अदालत के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं तो उत्तर में इसका विरोध शुरू हो गया है। हालांकि देश की दो बड़ी पार्टियों ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तीन मुख्यमंत्रियों ने समर्थन किया है जबकि बाकी के मुख्यमंत्री अब तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को द्रविड़ मॉडल को मंजूरी बताया है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कहा कि हम पहले से इस तरह की मांग करते रहे हैं। मेरे पिता करुणानिधि ने राज्य के अरुण थतियार समुदाय के लिए 3% आंतरिक आरक्षण की व्यवस्था की थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। सिद्धारमैया ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से कमजोर तबके को न्याय मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सोशल जस्टिस के सिद्धांत को मजबूत करने वाला है। कांग्रेस शासित तेलंगाना में भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा आगे सभी भर्ती परीक्षाओं में सब कोटा सिस्टम लागू किया जाएगा। उत्तर भारत में अभी 3 आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन, ओडिशा के मोहन मांझी और छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय है। तीनों में से किसी ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस में दक्षिण के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन उत्तर भारत के कई बड़े नेता चुप है। उत्तर भारत में कांग्रेस के बड़े दलित नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि कोर्ट का फैसला आरक्षण विरोधी है। पार्टी की तरफ से सुप्रीम फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जानकारों का कहना है कि इस फैसले से अनुसूचित जाति में दबदबा रखने वाली जातियों को नुकसान हो सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। बिहार के सर्वे के मुताबिक राज्य में 5.31% आबादी पासवानों की है। यादव के बाद यह दूसरी जाति है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है। वहीं तीसरे नंबर पर जावट है जिनकी संख्या 5.25% है। आरजेडी ने इस फैसले का विरोध किया है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान इस मामले में एकमत दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि दलितों के आरक्षण के लिए कभी आय को आधार नहीं बनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने भी फैसले का स्वागत किया है। निषाद पार्टी की मांग है कि निषादों को भी SC कैटेगरी में शामिल किया जाए। वहीं OP राजभर OBC कोटा के अंदर EBC कोटा की मांग कर रहे हैं। मायावती और चंद्रशेखर दोनों ने ही इस फैसले का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस तरह से आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है। महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी फैसले का विरोध किया है। महारों के समर्थन वाली पार्टी का कहना है कि यह उनके खिलाफ है। वहीं दक्षिणी भारत की पार्टियों ने इस फैसले का समर्थन किया है। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। गुजरात के भुज शहर में कांग्रेस विधायक एवं कथित दलित नेता जिग्नेश मेवाणी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला खुफिया अधिकारी को कुर्सी से हटाकर जमीन पर गिरा दिया गया। इस मामले में कांग्रेस नेता HS अहीर को भारी ड्रामे के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अहीर वही व्यक्ति है जिन्होंने कंगना रनौत को मंडी से भाजपा का टिकट मिलने पर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। महिला अधिकारी के साथ इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कांग्रेस नेता HS अहीर को दलित खुफिया अधिकारी रीना चौहान की कुर्सी खींचते हुए देखा जा सकता है। इससे महिला अधिकारी जमीन पर गिर गई और घायल हो गई। इस दौरान अहीर ने महिला अधिकारी का मजाक उड़ाया और अपमानित करते हुए कहा कि वह कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। बताते चले कि अहीर ने कंगना रनौत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। साल 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट के लिए भाजपा द्वारा कंगना को टिकट दिए जाने पर अहीर ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मंडी से रंडी। वहीं कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपादक मृणाल पांडे ने भी यही टिप्पणी की थी।
हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मृणाल पांडे सहित अहीर ने भी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी थी, साथ ही इसका दोष अपनी सोशल मीडिया टीम पर मर दिया था। हालांकि बाद में एचएस अहीर ने पोस्ट को डिलीट कर दिया था और कहा था, मेरे एक्स खाते तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने बिल्कुल घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की थी जिसे हटा दिया गया है। अहीर गुजरात कांग्रेस में किसान मोर्चे के राज्य सह संयोजक पद पर है। भुज शहर के सर्किट हाउस उम्मेद भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में विधायक जिग्नेश मेवाणी कच्छ में दलितों को आवंटित भूमि पर कब्जा देने के बारे में मीडिया से बात कर रहे थे। इसी दौरान 34 साल की महिला आईबी अधिकारी मोबाइल में मेवाणी की तस्वीर खींचने के लिए खड़ी हुई। इस बीच अहीर ने उनकी कुर्सी खींच ली। इससे अनजान महिला अधिकारी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की तो वह जमीन पर गिर गई। दलित महिला अधिकारी रीना इस घटना के संबंध में भुज शहर के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज कराई गई एफआईआर की कॉपी में कहा गया है कि इस हरकत में सहायक खुफिया अधिकारी रीना चौहान की रीढ़ की हड्डी में मामूली चोटें आई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में रीना चौहान ने आगे कहा कि जब वह नीचे गिरी तो अहीर जोर जोर से हंसे और कहा कि वह कुर्सी के लायक नहीं है और उनके लिए कोई कुर्सी नहीं हो सकती। रीना चौहान ने कहा कि कांग्रेस किसान सेल के समन्वयक एचएस अहीर हरेश शिवजी भाई अहीर उन्हें पहले से जानते थे और वह भी यह भी जानते थे कि वह दलित है। जिस समय यह घटना हुई उस समय महिला अधिकारी अपनी ड्यूटी पर थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस नेता अहीर महिला अधिकारी को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें पता था कि वह अनुसूचित जाति से आती है और फिलहाल वह ड्यूटी पर है। इसके बावजूद कांग्रेस नेता ने महिला अधिकारी का अपमान करने के इरादे से ऐसी हरकत की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला खुफिया अधिकारी फिलहाल मानसिक आघात सदमे और अवसाद से गुजर रही है। कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 121(1), 221 और 133 तथा SC/ST अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता बताया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। देशभर में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में शानदार जीत मिली है। प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की हार का मार्जिन बहुत बड़ा रहा है। यहां तक के कई दिग्गज कांग्रेसी अपना किला भी नहीं बचा पाए तो कई अपना किला वापस लेने में नाकामयाब दिखाई दिए। यही कारण रहा कि एक तरफ जहां देश भर में कांग्रेस ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इसके पीछे की क्या वजह रही इसका पता तो कांग्रेस आलाकमान अभी लगा रही है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के लिए MP से एक और बुरी खबर सामने आ गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 5 युवा नेताओं को 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ये सभी नेता राहुल गांधी के चहेते माने जाते हैं। मध्य प्रदेश MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 5 नेताओं को MP/MLA कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। जिन नेताओं को सजा हुई है उनमें NSUI अध्यक्ष और पूर्व विधायक शामिल है। 2016 में CM हाउस घेरने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। सुनवाई करते हुए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रकाश दुबे ने आगर से पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकशे, यूथ कांग्रेस भोपाल के मीडिया प्रभारी आकाश चौहान, NSUI के सदस्य धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा के अलावा 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामला वर्ष 2016 का है। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। आंदोलन में उनके सभी साथी भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी कर मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उस दौरान पथराव भी किया गया था। इस मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दायर कर विवेचना की थी, जिसके बाद विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकशे,
आकाश चौहान और धनजी गिरी समेत इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2023 में भी विपिन वानखेड़े को एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल वह जमानत पर रिहा है। पूर्व विधायक को यह सजा साल 2011 विधानसभा घेराव मामले में दी गई है। उस समय विपिन ने छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। इसके अलावा इस मामले में कोर्ट ने युवा कांग्रेस के नेता विवेक त्रिपाठी को सजा सुनाई थी। सजा का ऐलान होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन आगे भी छात्रों के हित में लड़ाई जारी रहेगी। हम इससे हताश नहीं हुए हैं। हम आमजनों और छात्रों की लड़ाई दोगुनी ताकत से लड़ते रहेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में साल 2013 सबसे बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आया था। इस घोटाले के तार कई राज्यों से जुड़े थे। इसमें कई लोगों की जान गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को दी गई थी। घोटाले से संबंधित कई जांचकर्ताओं और आरोपियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। तत्कालीन राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ एफआईआर और शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की गिरफ्तारी तक हुई थी। ऐसे में आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को ओबीसी समुदाय का दर्जा और आरक्षण देने के मामले में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 77 जातियों के ओबीसी कोटे को खत्म करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई थी। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन 77 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का आधार पूछा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता सरकार ने ओबीसी समुदाय में मुस्लिम समाज की 77 जातियों को शामिल किया था। इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ था और इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट की इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार को यह सुनवाई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में हुई। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सरकारी वकील इंदिरा जयसिंह पेश हुई। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रतिवादी के तौर पर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने बहस की। पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय में यहां तक कर डाला कि कलकत्ता हाईकोर्ट ही प्रदेश में सरकार चलाना चाह रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आदेश का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण पाने वाले जातियां मुस्लिम समुदाय से है। इंदिरा जयसिंह ने इसे मंडल आयोग के निर्देशों पर उठाया गया सही कदम ठहराया। वहीं प्रतिवादी अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इंदिरा जयसिंह के तर्कों का विरोध किया। दोनों पक्षों के सुनने के बाद तीनों जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि किस आधार पर उन्होंने मुस्लिम समुदाय की 77 जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन दो निजी वादियों को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने ममता सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। बताते चले कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में वर्गीकरण करने को रद्द कर दिया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी में नामित सदस्यों की नियुक्ति पर केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को है और वह इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य नहीं है। दिल्ली सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1993 एक्ट में पहले जो बदलाव किया गया था उस समय नॉमिनेशन की ताकत गवर्नर को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्णय दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीएन नरसिम्हन ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार उपराज्यपाल को है और इसके लिए वह दिल्ली सरकार की सलाह मानने पर निर्भर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को निर्वाचित सरकार की सलाह और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि
उससे सलाह मशवरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 15 महीने पहले ही रिजर्व कर रख लिया था और आज जाकर उसने ये फैसला सुनाया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आप सरकार की याचिका पर दिया है। आप सरकार ने एमसीडी में मनोनीत सदस्यों की राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। आम आदमी पार्टी सरकार ने दलील दी थी कि एलजी ने बिना सरकार के सलाह के ही एमसीडी में नियुक्तियां की और 1991 के कानून के बाद पहली बार हुआ। आप सरकार ने दलील दी थी कि एलजी या तो सरकार के दिए नाम को माने या फिर इससे अपनी सहमति जताने के साथ इसे राष्ट्रपति को भेज दें। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार एलजी के विरुद्ध कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट जाती रही है। इस फैसले से दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। वर्तमान में एमसीडी को लेकर दिल्ली में काफी गुस्सा है। एमसीडी में वर्तमान में आप सत्ता में है। एमसीडी में कुल 250 सदस्य होते हैं, इसमें से 240 सीटों पर चुनाव होता है, जबकि 10 सीटों पर सदस्यों को नामित किया जाता है। इनको मनोनीत करने का अधिकार अब राज्यपाल को मिल गया है। इन्हें एडल्ट मैन कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के एलजी को बोस वाला अधिकार बरकरार रखने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुरी तरह बौखलाते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है और आप चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके एलजी को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह आहत हैं। संजय सिंह ने रोता हुआ मुंह बनाकर कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और यह सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है। पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है इसके बारे में रणनीति बनाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच सियासी तख्ता पलट हो गया है। पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया है और आर्मी फ्रंट फुट पर आ गई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम अंतरिम सरकार बनाएंगे और देश को फिलहाल अंतरिम सरकार चलाएगी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने सभी दलों की बैठक भी बुलाई है। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। शेख हसीना किसी सुरक्षित स्थान के लिए निकल गई हैं। इस बीच ढाका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हो चुके हैं। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई आम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो सत्तारूढ़ आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी प्रधानमंत्री आवास में भी घुस चुके हैं। शेख हसीना के देश छोड़कर भारत में आने की बात मीडिया रिपोर्ट में आई है। शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रियाना भी बांग्लादेश से बाहर निकल गई हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी ANI को कहा है कि हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में अपनी सरकारी आवास छोड़ दी है। वर्तमान में उनका ठिकाना अज्ञात है। ढाका में स्थिति अत्यंत संवेदनशील है और प्रधानमंत्री आवास पर भारी संख्या में भीड़ ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश में जुलाई माह में ही प्रदर्शन चल रहे थे। सबसे पहले यह प्रदर्शन आरक्षण के नाम पर चालू हुए थे। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण खत्म किए जाने के बाद रुक गए थे। हालांकि अगस्त महीने में फिर से यह प्रदर्शन भड़क गया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के प्रदर्शन में शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की गई। कट्टरपंथियों ने कई पुलिस कर्मियों की हत्या भी कर दी। उन्होंने हिंदू पत्रकारों को भी मार दिया। इसके अलावा कई हिंदू परिवारों को भी मार दिया गया। बांग्लादेश में हुई इस हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। यह भी बताया जा रहा है कि इस हिंसा के कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सेना के बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था संभालने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री आवास में घुसने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों ने काफी भारी संख्या में लूटपाट भी की है। बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी बांग्लादेश में तोड़ दी गई है। इसी बीच राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ।